हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा रिलेटेड है सेल से। हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियोस में, ठीक है, जो कि हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट फिजियोलॉजी के नाम से आता है, उसी में ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था एंड उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक सेल में जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो थर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग बॉडी की। लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी, इसमें बेसिकली थ्री स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल बॉडी पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के नाम से एक वीडियो होगा उसमें पूरा हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आज हम अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि सेल का स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल में हमारी फर्स्ट क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म, ठीक है, कि सेल के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक, जो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। थर्ड इसका पार्ट क्या है हमारा, वो क्या है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है, कि इनसाइड सेल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा बिग, बड़ा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेल न्यूक्लियस के बारे में, ठीक, कि न्यूक्लियस क्या होता है एंड इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस का सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो सेल में जब हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वो भी इस पर कैसी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो भी जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है हमारा, इनर एंड सेंटर पार्ट। किसी भी सेल के अंदर जो इनर एंड सेंटर पे जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है हमारा, न्यूक्लियस। जब कभी भी आप माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करेंगे किसी भी सेल की तो उसमें हमें जो सेंटर पे सबसे बड़ा एंड इनर जो पार्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, वो हमें कौन सा देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, बिकॉज ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल के बिग साइज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सेंटर पे नहीं देखने को मिलता है। बट एनिमल सेल में ये क्या होता है, इनर एंड सेंटर पार्ट, ये क्या है हमारा, बिग ऑर्गेनली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो बॉडी की सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक।
प्रेजेंट इन ऑल द सेल बॉडी एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्शन है इसका आरबीसी का, ठीक है। सेल विद न्यूक्लियस, सेल अगर कोई भी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। एंड सेल विदाउट न्यूक्लियस, कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अपना डीएनए खुद का प्रेजेंट होता है, बट डीएनए क्या होता है, फ्री स्टेट में घूमता रहता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, बेसिकली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, बट डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद न्यूक्लियस दो तरीके के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब यूनिन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड जहाँ पे सिर्फ किसी भी सेल में ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीन्यूक्लिएटेड वो होंगे, वो सेल्स होंगी जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड का एग्जांपल हमारा क्या होता है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में हमारा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम इसके शेप के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस आर स्पेरिकल इन शेप या फिर ओवल इन शेप, ठीक। बट बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के प्रेजेंट भी होते हैं। ये था हमारा न्यूक्लियस के बेसिक स्टडी के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है एंड इसमें किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके हमने शेप के बारे में डिस्कस किया, ठीक। इसके बाद इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे कि हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो सेल में हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेली लाइक एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने उसके बारे में डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड थर्ड इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन, ठीक। इसको हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म से यहाँ पे क्या मीन है एंड क्रोमेटिन से क्या मीन है, ठीक। अब हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक। तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज हम समझेंगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी ब्लैक कलर की बनी होती है, ये क्या है, बाहर आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी क्या है, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में, ठीक। डबल मेम्ब्रेन इसको कैसे बोलेंगे, ये जो हमारी बाहर की जो प्रेजेंट होती है लेयर, ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्या हो गई हमारी, आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होती है, बाहर की हमारी क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर साइड में कौन सी होती है, हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। तो बाहर वाली हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर साइड जो अंदर की साइड हमारी प्रेजेंट है, ये वाली, ये जो इनर साइड प्रेजेंट है, ये क्या हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, बाहर की जो हमारी प्रेजेंट होती है ये कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन मिलकर के कौन क्या बनाती है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो खाली स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक बार और समझेंगे कि ये जो खाली स्पेस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक। नेक्स्ट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर आता है कि ये जो बीच में
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये जगह जगह स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह जगह पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है और ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके बीच में कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, मतलब कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर आती हैं और न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म के पास जाती हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है, ठीक। तो ये इसका फंक्शन होता है। अभी हमने सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। जिस तरीके के सेल के अंदर इनसाइड सेल जेली लाइक फ्लूड एक प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ये जो खाली स्पेस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जेली लाइक विस्कस फ्लूड एक प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे उसमें साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक जेली लाइक फ्लूड विस्कस फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। इसके बाद हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें क्रोमेटिन, ठीक। क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन। और ये बना होता है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल से, ठीक है, बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक। तो ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में एंड क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्या है, हमारा थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मेड अप ऑफ होता है, बना होता है डीएनए मॉलिक्यूल से। इसमें हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट रहते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। जो क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बना होता है डीएनए मॉलिक्यूल से, और जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं विद अ स्पेशलाइज्ड एक प्रोटीन जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मॉलिक्यूल्स को कॉम्पैक्ट करके रखती है, ठीक। तो ये था हमारा क्रोमेटिन के बारे में। इसमें एक स्ट्रक्चर हमारा और हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन में ही, ये हो गया हमारा क्रोमेटिन्स जो पड़े रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। एक इसमें आता है हमारा हाइपर क्रोमेटिन, सेकेंड हमारा आता है एक यू क्रोमेटिन, ठीक। अब हाइपर क्रोमेटिन क्या है एंड यू क्रोमेटिन क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइपर क्रोमेटिन तब बोलेंगे जब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स टाइटली एंड कॉम्पैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि टाइटली, ठीक है, बाउंडेड रहते हैं एंड कॉम्पैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट होते हैं एक जगह पे, जब टाइटली बहुत ज़्यादा डार्क, ठीक है, दिख रहा होगा, टाइट एंड कॉम्पैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर क्रोमेटिन। हाइपर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े हुए है, तो यहाँ पे टाइट एंड कॉम्पैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर क्रोमेटिन, ठीक। एक होता है हमारा यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन तब बोलेंगे जब यहाँ पे लूज डीएनए प्रेजेंट होंगे, ठीक, लूज डीएनए प्रेजेंट होंगे,
तब उसको हम लोग बोलेंगे यूक्रोमेटिन। अब हाइपरक्रोमेटिन में टाइट एंड कॉम्पैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, एंड यूक्रोमेटिन में लूज डीएनए प्रेजेंट है। तो टाइट कॉम्पैक्ट डीएनए प्रेजेंट होने से यहाँ पे क्या होगा कि जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। जीन्स यहाँ के जो हाइपरक्रोमेटिन में कॉम्पैक्टली डीएनए प्रेजेंट है तो उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेशन आउट नहीं कर पाएंगे। तो नो जीन एक्सप्रेशन। एंड यूक्रोमेटिन में लूज डीएनए प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन ईजिली हो जाएगा। ठीक, तो हाइपरक्रोमेटिन में नो जीन एक्सप्रेशन एंड यूक्रोमेटिन में जीन्स एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर हमारी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारी इनर लेयर प्रेजेंट है। इनर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टू बाउंडेड लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन से ही हमारी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमारी ये ग्रीन कलर की लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर की एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो कि ये कौन सी लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। ठीक, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना। बिकॉज ये किसकी लेयर होती है, ये प्रोटीन की लेयर एक प्रेजेंट होती है जो कि लैमिना प्रोटीन से बनी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। और ये क्या करती है, जो न्यूक्लियस होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है एंड हेल्प करती है डीएनए रेप्लिकेशन में। और भी इसके काफ़ी फंक्शंस होते हैं, बेसिकली हम इसमें यही समझेंगे कि ये प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, जो कि हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है उसी से लगी हुई बनी होती है और इसको हम लोग लैमिना लेयर बोलते हैं जो कि प्रोटीन लेयर है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है न्यूक्लियस को एंड डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। ठीक, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है हमारा इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिस जो कि है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक, तो न्यूक्लियोलस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी कि न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर है इसमें कि ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी कंटिन्यू हो जाती है एक और सेल ऑर्गेनली जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन हमारी कंटिन्यूस हो जाती है एक और सेल ऑर्गेनलीज के साथ में जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमारे टू टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये हो गए हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स अब्सेंट है, एंड ये हो गए हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, अब ये जो हमारा एक और सेल ऑर्गेनली जो कंटिन्यू कर रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस का, तो इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज़। ठीक है, सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी को
ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज, मतलब कि सेल डिवीज़न होता है सेल्स की ग्रोथ को लेकर के एंड प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर के एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी जो भी सेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। एक तरीके से जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्या है ये, सेल्स का ब्रेन है। सेकेंड, इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। थर्ड, इसका फंक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की सब यूनिट्स के फॉर्मेशन में भी न्यूक्लियस हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन है सेल डिवीज़न थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू जो सेल डिवीज़न होता है उसको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन है हमारा स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोरेज करने में हेल्प करता है, ठीक है, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और जो भी हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, ठीक। तो ये था हमारा अभी सेल में न्यूक्लियस के बारे में एंड उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस के बारे में एंड इसके साथ जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है इसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि जो आउटर मेम्ब्रेन हमारी होती है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके साथ ही हमने अभी डिस्कस किया था कि एक एनदर ऑर्गेनेल्स भी कंटिन्यू करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो हमारे न्यूक्लियर पोर होते हैं बीच बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें अंदर आती हैं एंड जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उससे कुछ चीज़ें साइटोप्लाज्म में बाहर जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यू करने से क्या बेनिफिट होता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियर पोर होता है इससे क्या होता है, हमारा मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, ठीक। मैसेंजर आरएनए बाहर आने के बाद ये जो हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इनके साथ क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक। इनके साथ, राइबोसोम्स के साथ ये ट्रांसलेट करता है, मिलता है आकर के, कंबाइंड होता है, ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये ब्लैक कलर से क्या है, यहाँ पे प्रोटीन बना रही हूँ, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बीच बीच में स्पेस खाली होता है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ये कहाँ चला जाता है, ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैसेंजर आरएनए के बाहर आने के बाद न्यूक्लियर पोर के थ्रू मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ये राइबोसोम्स के साथ मिलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये प्रोटीन हमारी ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है। ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद यहाँ पे क्या करती है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन करती है। वेसिकल के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे प्रोटीन आने के बाद ये प्रोटीन बाहर फिर रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। फिर ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाती है। तो इसका जो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से इससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और हमारा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एक डार्क एरिया होता है, डार्क एरिया प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म,
ये क्या है हमारा डार्क एरिया प्रेजेंट है इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस। डार्क एरिया ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है एंड सम प्रोटीन्स, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है काफ़ी डार्क, ठीक है। इसमें क्या होती है हमारी राइबोसोम्स असेंबली प्रेजेंट होती है, इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम असेंबली आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है काफ़ी डार्क पार्ट होता है, डार्क एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और जो कहाँ प्रेजेंट है हमारा इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। इसके बाद हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो क्या था हमारा हाइपरक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ठीक। तो हाइपरक्रोमेटिन में टाइट कॉम्पैक्ट डीएनए प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो उसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, नो जीन एक्सप्रेशन। सेकेंड हमारा क्या है यूक्रोमेटिन, जिसमें क्या होते हैं हमारे लूज डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इसमें कॉम्पैक्ट टाइटली डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए हमारे कॉम्पैक्ट रहते हैं। एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कौन सी थी, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो यहाँ पे क्या है लूज डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन ये भी किससे कॉम्पैक्ट रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लूज डीएनए होने की वजह से जीन्स क्या हो रहे हैं एक्सप्रेशन, जीन्स में एक्सप्रेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि कोई भी एंजाइम अगर इनसाइड सेल न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी एंजाइम आता है और वो एंजाइम जीन एक्सप्रेशन होने से क्या उसका काम होगा कि एंजाइम रीड द डीएनए। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन जो डीएनए है वो यहाँ पे लूजली अटैच्ड है, ठीक है, लूजली प्रेजेंट है, ठीक। लूज प्रेजेंट होने की वजह से जो डीएनए है किसी भी एंजाइम को रीड करने में ईजी होगा, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको वो ईजिली कर सकेंगे। अब एक्सप्रेशन का प्रोसेस क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बनाना है, आरआरएनए बनाना है एंड टीआरएनए बनाना है, ठीक। तो लूज डीएनए होने से जीन एक्सप्रेशन होगा, कोई भी एंजाइम क्या कर सकेगा डीएनए को रीड आउट कर सकेगा, जिससे कि जो एक्सप्रेशन का प्रोसेस है वो हो सके और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है, तो ये इजीली बन सके। तो ये होता है हाइपरक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के फंक्शन, ठीक। इसके बाद हम न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोलस का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, मेन इसका जो फंक्शन होता है क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ पे, ये जो हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट है, क्रोमेटिन में ही, क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें जो कि बना होता है किससे, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए से ही मिल करके बना होता है। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अभी डीएनए के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए से क्या हुआ हमारा एमआरएनए बना, एम मैसेंजर आरएनए बनने से, मैसेंजर आरएनए हमारा कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में, जो हमारे न्यूक्लियर पोर होते हैं इन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, कोई भी चीज़ न्यूक्लियोप्लाज्म में आएगी, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ साइटोप्लाज्म में बाहर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा डीएनए ने हमारा मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए हमारा न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद साइटोप्लाज्म में हमारे क्या हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए को रीड किया, मैसेंजर आरएनए को रीड करने के बाद इसने क्या किया, स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया। अब स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स के फॉर्मेशन होने से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, ये जो स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स हैं ये एंटर करेंगी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू पहले क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए बाहर गया, मैसेंजर आरएनए के बाहर जाने के बाद अब इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है, क्या होगा, जो स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो एंटर करेंगी इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक। तो इनसाइड न्यूक्लियस
वो स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स आने के बाद थ्रू डीएनए के थ्रू सिंथेसिस होगा आरआरएनए, ठीक, आरआरएनए बनेगा एंड सम राइबोसोमल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा, ठीक। इसके बाद जो हमारा आरआरएनए है एंड जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं ये कहाँ जाएंगी, न्यूक्लियोलस के पास में। जो हमारा ये डार्क पार्ट होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म में, इसके पास जाती हैं, न्यूक्लियोलस के पास जाती हैं। और जो हमारी राइबोसोमल प्रोटीन एंड आरआरएनए है हमारा, ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, गोज आउटर साइड न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक। तो ये था हमारा न्यूक्लियोलस के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये था हमारा न्यूक्लियोलस का फंक्शन, ठीक है। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। और इसके अंदर क्या, हमारी राइबोसोम्स की असेंबलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट नोट टाइप डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में हम समझेंगे कि कब क्रोमेटिन बोलेंगे कब क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो सबसे पहले ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है, जब कभी भी सेल डिवीज़न होता है तो ये जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक। क्रोमेटिन हमारे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमेटिन, जिससे कि नो जीन एक्सप्रेशन, इससे क्या हो, जीन्स का एक्सप्रेशन ना हो सके एंड साथ ही में डीएनए कॉम्पैक्ट टाइटली, और डीएनए क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक। सेकेंड नोट है हमारा, इनसाइड सेल क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम फॉर जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसके फंक्शन के बारे में। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।